चलो वापस चलते हैं। मैं सबको सच सच बता दूंगी कि तुमने ये सब क्यों किया। मेरा क्या है, मेरे लिए तो सब और भी आसान है। पहले मैं खुद मरना चाहती थी, अब मेरे घर वाले मुझे अपने हाथों से मार देंगे। तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी, चलते। शर्त होती तो जरूर जाता, अगर ये शर्त नहीं तो फिर क्या है? तो कुछ भी, मगर अब ये शर्त नहीं। ये आंसू टिप टिप बह जाए, तमन्ना दिल की रह जाए, तुझे पाके जो खोना है, खुदा रा ले ले मेरी जान, खुदा रा ले ले मेरी जान। तुम दोनों सुन लो, सबको यही बात बतानी है। अगर कोई नई कहानी सुनाई उससे भी बड़ा तमाशा लगाऊंगा। मैं इसकी जान की परवाह करूं, वरना तुम्हारी इज्जत की। शीरी हमारे लिए मर चुकी और फरहाद तुम लोगों के लिए, समझे तुम दोनों? चलो दस बारह बंदे लो, पुल वाली चौकी पे उसकी जीप खड़ी है, दाग लगा दो। पुलिस से बात हो गई है, जो देखे मैं क्या हूं। सच सच बताओ, मुझे बांधकर कहां ले जा रहे थे? जिंदगी के पास। और अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे खुद के पास जिंदगी नहीं है। ढूंढ लेंगे, दोनों मिलके कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। सोच लो, एक बार फिर सोच लो फरहाद। मैं तुम्हें वापस भी ले जा सकती हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसके अलावा तुम जो चाहे कर लो। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। मैंने आज तक जमीन से एक बात छुपाई, मुझे भी दरिया से उतना ही डर लगता है जितना कि उसे। लेकिन फिर भी मैं कूदी, सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे छुए से बेहतर यही है कि मैं मर जाऊं। मैं अपना घर, अपने रिश्ते और सबसे बढ़कर जमीन को छोड़कर अपने घर से भागी, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी मुझे वो शख्स छुए जिससे मुझे घिन आती है। पत्नी वो कैसी औरतें होती हैं जो सारी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजार देती हैं जिसे उन्हें घिन आती है। बात बताओ।
जब तुम मरोगी ना तो सब तुम्हें छुएं। अब तुमने दरिया में छलांग लगा दी, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने भी छलांग मार। इस तरह पकड़ा हुआ था मैंने तुम, समझ रही हो ना? ये दरिया है ना, किसी का नहीं होता, लेकिन मैं लड़ता रहा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। बचा के जब इस होने तक लाया तो लोग बैठे रहते, वो आग जला। जाहिर सी बात है मैं भी थक गया था, तो ये लोग तुम्हें ऊपर उठा के कैंप में ले गए। तुम्हारे ये कपड़े भी बदले। अब देखो ना, तुम्हारी मरने के चक्कर में इतने सारे लोगों ने तुम्हें छू लिया, नहीं मेरा मतलब है वैसे नहीं, लेकिन छुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम जिंदा रहो, बिल्कुल इस तरह। जो औरतें जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के जीती हैं, उन्हें उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं छू सकता। ये मैंने अपनी मां से सीखा। मैं जब मैं छोटा था ना, तो मेरे बाबा केटू के पहाड़ चढ़ते हुए एक बर्फ के तोदे के नीचे आ गए। उस चोटे के नीचे ही उनकी कब्र है। जब ये खबर मेरी मां तक पहुंची तो वो बेहोश हो गए। मोहल्ले वाले उनको घर उठा के ले आए। जब उन्हें होश आया ना, तो वो कमर बांध के सीधी खड़ी हो गई, दोबारा नहीं हुई। सिर्फ इस डर से कि दोबारा कोई नामहरम उनको उठाने की कोशिश ना करे। फरहाद, प्लीज मुझे केटू ले चलो। ऐसा नहीं हो सकता, वो बेटी है हमारी। हम उस लोफर के रहमो करम पर उसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने कब कहा कि उसकी गोद में डाल देंगे? तो फिर ये कि आपकी गोद में बैठने के काबिल तो नहीं रही ना। उनकी नजर में मर चुकी है, मरा जाने पे। लेकिन वो मरी तो नहीं ना। फिक्र ना करें, मर जाएगी। खुद भी तो मरना चाहती थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा।